वेलकम टू एग्जाम क्रिकेट। दोस्तों दोस्तों एक बड़ी खबर आई है कि आप जानते हैं जो चकबंदी लेखपाल की भर्ती आई थी उसमें कुछ विवाद था आरक्षण को लेके। तो आप देखिए लेखपाल आज पेपर में पूरा बकायदा दिया है, पूरा मैटर दिया है, आप समझ सकते हैं इसको। मैंने पढ़ लिया है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ एक मिनट में कि पूरा माजरा क्या है। ओबीसी कोटे की जो भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप में जो चकबंदी आयुक्त शारदा सिंह हैं उन पर कार्रवाई की गई है। सोचिए चकबंदी आयुक्त पे कार्रवाई करना, मतलब मुझे नहीं लग रहा ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इनको देखिए प्रथम दृष्टया में इनको दोषी करार दिया गया है कि जो ओबीसी कोटे में गड़बड़ी करने के आरोप में। अब ये गड़बड़ी क्या है कि मतलब कि सही तरीके से इसको मूल्यांकन नहीं किया गया कि कौन सा लेटर भेजा जा रहा है, उसमें कितनी सीटें हैं। एक बार इनको जाँच करनी चाहिए थी, जब ऐसा एक जीरो डेटा आता है तो आपको ज़रूर केयरफुल होना चाहिए था, पर ये थोड़ा केयरलेस रही। और इन पर क्या कार्रवाई की गई है आप वो भी देख लीजिए। इनको किया गया आधे दिन का वेतन पर देय अवकाश वेतन या आधे वेतन के समान जीवन निर्वहन भत्ता इनको मिलेगा, ठीक है। और ये अभी इनिशियल कार्रवाई है, और अगर शासन को आगे जांच में पता चलता है कि इन्होंने कोई और भी अनियमितताएँ बरती हैं तो इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई सही है या गलत। अपने बिहाफ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये चीज़। देखिए बहुत सारे अपने बच्चे हैं, ठीक है, जो हर जगह सेलेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आपको अपने पद की गरिमा देखते हुए कभी भी कहीं कुछ साइन करना हो तो ये नहीं कि एक बार तुरंत साइन कर दें, एक बार पढ़िए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें भारी अनियमितता बरती गई है, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा लगे, कुछ एब्सोल्यूट आए, जैसे कि इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 जनरल की थी, 0 ओबीसी की थी, ठीक है। अब 10-20 हो, 50 हो तो एक बार समझ में आता है कि हाँ सीटें कम खाली होंगी, लेकिन अगर 0 आ रहा है तो एक बार आपका माइंड खनकना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया, एक बार पूछना चाहिए, ठीक है। अगर ये अपने सबॉर्डिनेट से यही एक बार लेटर ले ली होती कि हाँ इसमें आपने दोबारा से चेक किया और ये 0 था तो ये दिक्कतें नहीं आई होती। लेकिन आप एक पद पे जाएंगे आप लोग भी तो इसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। ये कोई आपको बताएगा नहीं, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट जो हो गए हैं उनके लिए भी है। आपको क्या लगता है कि कार्रवाई सही है या गलत है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।